पिछली क्लास में बेटा हमने आप सभी लोगों को सिटीजनशिप बताया था, सिटीजनशिप पढ़ाया था, जिसे हिंदी में नागरिकता कहते हैं, हर हर महादेव विजय बेटा। प्लस हमने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, जिसे हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं। बोलो पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? ठीक है, आज जो बेटा नमस्कार, सभी को नमस्कार है, ठीक है अमन जी। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं DPSP, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या कहते हैं बेटा? राज्य के नीति निदेशक तत्व कहा जाता है। इस बात को आप सब लोग ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। आप चाहें तो इसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भी कह सकते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह सकते हो? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भी कह सकते हो। तो बाकी लोग भी क्या कह सकते हो? सिद्धांत भी कह सकते हो, इस बात को आप ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। अगली बात करेंगे हम सभी लोग और जानने की कोशिश करेंगे क्लास शुरू होने से पहले ही कंफ्यूजन आ जाता है भाई, कौन है ये? बताइए, एंड्रेस करिए, कौन एंड्रेस करिए? विजय कुमार जी बताइए। सर जी, जो मौलिक अधिकार में बताया गया था आर्टिकल 25, आगे बताइए। सर जी, उसमें कहा गया कोई भी व्यक्ति धर्म अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अगर जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया जाता है तब क्या वो अपराध माना जाएगा? बस इतना कंफ्यूजन था, ये तो साफ साफ लिखा है जब हमने मौलिक अधिकार पढ़ाया था कि किसी भी कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती किसी की सिटीजनशिप नहीं ले सकता और कोई भी व्यक्ति कभी भी जबरदस्ती किसी का धर्म स्थानांतरण नहीं करा सकता, ये तो बात उसी दिन बता दी गई थी जी। एक सर और क्वेश्चन सर जी, अगर लगातार कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में रहता है तो कितने वर्ष तक रहेगा तो नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? ऐसा कोई भी प्रोविजन ही नहीं है जी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी चाहे वो लगातार 10 वर्षों तक रहे, पर उसके लिए कंडीशन है कि वो वहां की नागरिकता नहीं लेगा। जी जी, ओके सर, थैंक यू। हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए आगे बात करेंगे आज और DPSP पे काम करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बड़े गौर से सुनिएगा बातों को, क्योंकि मैं कई सारी बातों को बता देता हूँ। देखिए, हर एक बात लिखी जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है प्यारे दोस्त, ठीक है? अगर मैं बताता हूँ तो उसे ध्यान से जरूर सुने सभी दोस्त। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी अभी क्या बताई थी? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या तत्व, कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इसे बताया कहाँ गया है? इसे बताया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 में और भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जिसे आर्टिकल कहते हैं, अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के 51 में। चौथी बात आती है कि हमने इसे लिया किस देश से, क्योंकि अपने देश में कई देशों के संविधान को पढ़ करके स्टडी करके कुछ चीजों को लिया गया है सोर्स में, जो हमने आपको बताया था जब हम संविधान के स्रोत पढ़ा रहे थे। तो DPSP को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था। कहाँ से लिया था? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से या आयरलैंड के संविधान से लिया था। बोलिए, ये बात बताई गई थी आपको। अगली बात समझिएगा, DPSP जो है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है, वो किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होते, वो सबसे पहले लागू होते हैं
सबसे पहले लागू होते हैं राज्य पर, लागू होते हैं कहां पर, राज्य पर, और जैसे ही राज्य पर वो लागू हो जाएंगे वैसे ही उस राज्य में निवास करने वाले नागरिक, क्या मैंने कहा, जैसे ही राज्य पर लागू हो जाएंगे तो उस राज्य में निवास करने वाले नागरिकों पर भी वो स्वतः लागू हो जाते हैं, नागरिकों पर भी स्वतः लागू हो जाते हैं। स्वतः का मतलब होता है ऑटोमेटिकली। क्या मैंने कहा भैया, स्वतः का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब जैसे आप कहें, जैसे सिंपल सी बात समझिएगा, जैसे मैं कहूं बिहार तो आप कहेंगे जी सर, मैं कहूं गुजरात तो कहेंगे जी सर। आप बताइए इन दोनों ही राज्यों में शराब पीने पर या शराब बनने पर या शराब बिकने पर पाबंदी है, क्या सही बात है, बोलो जल्दी से। पर उत्तर प्रदेश में तो खूब बिकती है, उत्तर प्रदेश में तो खूब बिकती है, लोग खूब पीते भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डीपीएसपी में इस राज्य ने अपने यहां पर एक ऑर्डिनेंस जारी करके कुछ संशोधन कर रखे हैं, एक अध्यादेश जारी करके कुछ संशोधन कर रखे हैं, और उसमें कहा गया है कि इन दो राज्यों में, बिहार में और गुजरात में, शराब ना बिकेगी, ना बनेगी और ना ही लोग पिएंगे। और अगर मान लीजिए पिए पाए गए या पीते पाए गए या पकड़े गए तो यह अपराध होगा, क्या होगा, अपराध होगा, और इसके लिए सजा भी है, 20,000 रुपए प्लस, ये तो जुर्माना है, प्लस 6 महीने की सजा। बात समझ रहे हैं? अब समय समय पर ये बढ़ता भी रहेगा, ये तो जुर्माना हो गया और 6 महीने तक की सजा। मुद्दा क्लियर? मतलब ये अवैध है, तरीके से अपराध है। अच्छा देखिए, गलत तरीके से लोग पीते हैं उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, संविधान जो कहता है मैं सिर्फ उतना बता सकता हूँ, ठीक है। लोग तो बहुत कुछ करते हैं, भारत में तो लिखा है संविधान में कि आप अफीम नहीं पिएंगे, गांजा नहीं पिएंगे, चरस नहीं पिएंगे, ड्रग्स नहीं करेंगे, और लोग तो पीते हैं ना, और जब पकड़े जाते हैं तो क्या होता है, आपने देखा, यस और नो, जल्दी से बताइए, बात क्लियर सभी को, जल्दी से बताएं। सभी लोग बता दें। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, और एक बात, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं या सिद्धांत हैं, ये वकालत करते हैं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की वकालत करते हैं। अब आप कहोगे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का मतलब क्या हुआ, राज्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है जो भी राज्य सरकारें हैं कि वो अपने राज्य में समय समय पर अपने राज्य के नागरिकों के लिए बेहतर से बेहतर योजनाएं लाएं जिनसे उन्हें लाभान्वित किया जा सके। अब कुछ राज्य बहुत अच्छी योजनाएं लाते हैं और कुछ राज्य नहीं लाते हैं, जैसे आपने सुना होगा कई सारे राज्यों में बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही हैं। बोलिए, जैसे मैं सिंपल सी बात कह दूं, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनको जो निःशुल्क और जो अनिवार्य शिक्षा मिलती है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो मिलती है वो भी तो एक योजना है। बोलिए,
है या नहीं, जिसमें आना जाना, खाना, किताबें, बुक्स, हर एक स्टेट, हाँ ऑलमोस्ट स्टेट में ये अप्लीकेबल है, इसीलिए ऐसी बताई है, ठीक है, सब में लागू लागू है ये, ठीक। अब मेरी बात को सुनिएगा, अब हम अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के 51 के बीच की बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अब ये कह रहा है अनुच्छेद नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, कह रहा है डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा क्या होनी चाहिए, राज्य की परिभाषा वही होनी चाहिए जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई। एक राज्य होगा, उस राज्य में एक सरकार होगी जो संविधान के अनुसार चलेगी, और उस राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर होगा, जो कानून व्यवस्था होगी, वो संविधान के अनुसार चलेगी, लोगों को, राज्य के लोगों को विभिन्न वेलफेयर योजनाओं के माध्यम से, वेलफेयर पॉलिसीज के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा, लोगों का जो राज्य के नागरिक हैं उनका सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक समाज के अंतर्गत उनका विकास किया जाएगा। ये सारी बातें एक राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। बात क्लियर हो गई सभी को, जल्दी से बताएं। अगली बात कह रहा है, ये अगर आप बात पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ऐसी बात ही इसमें लिखी है, ये संविधान लिखा है प्योर, जो संविधान में लिखा गया है, फिर उसको क्लासीफाई किया जाता है। अब कहते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है, इसमें लिखा गया है कि डीपीएसपी जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, उन्हें वो कहते हैं न्यायालय में वाद योग्य नहीं, वाद योग्य नहीं है, नहीं है। अब आप कहोगे सर हम समझे नहीं, समझिएगा मेरी बात। जैसे अपनी क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं और अलग अलग राज्यों से होंगे, तो उन्होंने देखा होगा उनके अलग अलग राज्यों में कई विभिन्न योजनाएं चल रही होंगी, पर कोई दूसरी सरकार जब आती है तो पहली सरकार की जो योजनाएं होती है उन्हें बंद कर देती है, और बंद कर देती है फिर वो अपनी योजनाएं लाती है। तो जब योजना बंद हो जाती है तो क्या आप कोर्ट जाते हैं कि साहब ये देखो योजनाएं उन्होंने बंद कर दी, बोलो जल्दी से, नहीं जाते ना, जल्दी से बताओ। जैसे मैं सिंपल सी बात कहूँ, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वृद्धावस्था पेंशन मिल रही होगी, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्ध लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए जो 60 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं, बोलो यस और नो। कई ऐसे राज्य हैं जहां विधवा पेंशन मिलती है, जिनके पति मर जाते हैं विधवा पेंशन मिलती है, उनको पेंशन मिल रही है। कई ऐसे राज्य हैं जहां गरीब जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको राशन मिलता है, राशन मिलता है कि नहीं मिलता, जल्दी से बता दो यस और नो। तो ये वो सारी योजनाओं के अंतर्गत आता है। अब मान लीजिए कोई सरकार आए तो बंद कर दे इसको, ये दो चालू रखे, या ये तीनों बंद कर दे, अपने नाम से लेके आए, जैसे अभी योगी जी आए, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, मान लीजिए ये अपनी योजनाएं चला रहे हैं। अब मान लीजिए भविष्य में सपोज कर लीजिए कि मान लिया कि अखिलेश की सरकार आ गई या अखिलेश जी की सरकार बन जाती है, उन्होंने इन योजनाओं को बंद कर दिया, उन्होंने समाजवादी योजनाएं शुरू कर दी या राम मनोहर लोहिया के नाम से योजनाएं शुरू कर दी, तो दैट इज द थिंग। तो जब योजना बंद हो जाती है तो हम कभी कहाँ नहीं जाते, जल्दी से बताओ, हम कभी न्यायालय नहीं जाते, हम तो सिर्फ कहते हैं कि योजना भैया बंद हो गई, और ये न्यायालय में इसीलिए वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में हम इन्हें चैलेंज नहीं कर सकते। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसमें डज नॉट चैलेंजेबल इन द कोर्ट, डज नॉट चैलेंजेबल इन द कोर्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल आकाश, ऐसा भी कह सकते हो, वुमेन हेल्पलाइन, बहुत सारी चीजें हैं बेटा, ठीक है, जो चेंज कर दी गई। चलो आगे बढ़ूंगा मैं, 38 क्या कहता है समझिएगा, कहता है कल्याण की अवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, मतलब जो राज्य होगा वो सामाजिक व्यवस्था को बेहतर रखेगा, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक राजनीतिक न्याय भी मिलेगा। ये बात 38 के अंतर्गत कही गई है। तो कल्याण के अंतर्गत ये बात आती है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेगा राज्य। अब समाज में अगर व्यवस्था नहीं होगी, अगर
लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, कानून व्यवस्था नहीं होगी, तो समाज में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व, तो कुछ नहीं तो दंगा कर देंगे, कुछ नहीं तो मारा पीटी कर देंगे, जिससे समाज में कहीं ना कहीं क्या होगा, समस्या पैदा होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, क्या बताऊं, अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा लखनऊ में लड़की का जिसने एक टैक्सी ड्राइवर को बड़ा ही मारा, क्या आप लोगों ने देखा बेटा, बोलो। अब उसने पता क्या किया है, उसने सामाजिक व्यवस्था का वायोलेशन किया है और उसके ऊपर चार्ज बनते हैं और उसे जेल भेजा जाना चाहिए, बिल्कुल ये सत्य है, लेकिन ये सारी की सारी धाराएं उस पर ना लग करके उस पर लग गई, किस पर बेटा, जो ड्राइवर था जिसने बेचारे ने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं उनमें शायद ही ऐसा कोई बड़ा ही सामंजस्य वाला बच्चा हो जिसको 22 तमाशे पढ़ने के बाद वो लड़की की तरफ रिप्लाई ना करे। बोलो मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ईमानदारी से बता दीजिएगा, है ना। एक समय होता ना, 1, 2, 3, 22 तमाचे खाने के बाद में लड़का ऐसा कोई भी यहाँ नहीं बैठा होगा जो ये कहे कि नहीं सर हम तो 22 या 25 भी खा लेंगे, है ना। तो उसने वहां पर एक बहुत ही धैर्यता का परिचय दिया बच्चे लड़के ने, भले ही वो किसी भी कम्युनिटी का हो, मुझे उसकी कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं है, मुझे उसकी इंसानियत से मतलब है और वो व्यक्ति से मतलब है जिस व्यक्ति ने ऐसा किया, देखिए समझिए ना। और वो लड़की लगातार झूठ बोल रही है, कह रही है मुझे 100 लोगों ने मारा। अब आप बताइए, एक तो उसने सामाजिक मतलब जो सोशल सिस्टम है उसको वायोलेट किया, आधे घंटे तक वहां पे अफरा तफरी मची रही, पुलिस वाले देखते रहे, पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोले, तो ये सारी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं कहते हैं तो ये नागरिकों को मिलनी चाहिए, और उसके लिए ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियों को मिलनी चाहिए, इसका मैं विरोध करता हूँ, ये सभी को मिलनी चाहिए, क्योंकि सारे लोग भगवान के घर से आए हैं, लड़का हो या लड़की, बोलो यस और नो, गलत कह रहा हूँ क्या मैं, सारे लोग कहाँ से आए, भगवान के घर से आए, और बराबर का अधिकार अगर किसी एक को नहीं मिलना चाहिए, हाथ पैर सभी के बराबर हैं तो सभी को अधिकार कैसे मिलने चाहिए, समान मिलने चाहिए। बोलो जल्दी से सही कह रहा हूं या गलत मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बता दो सभी लोग, ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा सभी प्यारे दोस्त, ठीक है। चलो ये बात सभी को समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 क्या कहता है, 39 में कहा गया है कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई जाएंगी 39 के अंतर्गत जिसमें कई सारी बातें हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया है समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। देखिए समान न्याय, सबके लिए न्याय समान होगा, लेकिन यहाँ पे न्याय समान आपको दिखाई नहीं दिया होगा, ठीक है, जहां मैंने एग्जाम्पल जो दिया ये संविधान कहता है। निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता का मतलब होता है जो कानूनी सहायता है, विधिक का मतलब होता है कानून या लीगल कह सकते हो, जो लीगली है, जो विधिक सहायता है या जो कानूनी सहायता है वो निशुल्क प्रदान की जाएगी, ये बात कही गई है। दूसरी क्या कही गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको बता देता हूं इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं हम लोगों के पास में, महिला और पुरुष दोनों लोग समान काम करते हैं, महिला भी 8 घंटे वर्क कर रही है और पुरुष भी 8 घंटे वर्क कर रहा है, लेकिन पुरुष को वेतन ज्यादा दिया जाता है, महिला को कम दिया जाता है, ये एग्जैक्ट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है अपने इंडिया में, ठीक है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट में तो लगभग सब समान हो गया है, तो समान काम के लिए समान वेतन। तो ये मैं कह रहा हूं कि अगर पुरुष को जितना मिल रहा है उतना ही महिला को भी मिलना चाहिए, भाई काम दोनों समान कर रहे हैं, 8 घंटे ही अपने कंज्यूम कर रहे हैं, अपने जीवन के बहुमूल 8 घंटे दे रहे हैं आपको, तो आप उसका 8 घंटे का अगर पुरुष को 10,000 रुपए दे रहे हैं तो महिला को भी 10 दीजिए, ऐसा नहीं पुरुष को 10 दे रहे हैं और महिला को 6 दे रहे हैं, या पुरुष को 20 दे रहे हैं और महिला को 15 दे रहे हैं, ये गलत है, इसका मैं भी अपोज करता हूँ। तो इक्वल पे होना चाहिए सभी के लिए और समान होना चाहिए, संविधान में भी यही हाल है, बिल्कुल गवर्नमेंट में तो नहीं है, खैर गवर्नमेंट में तो आप छोड़ दीजिए, वहां तो लगभग लगभग बराबरी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि इसका रीजन है आपको बता देते हैं। देखिए इसका रीजन क्या है वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि महिलाओं के लिए इसी में बताया गया है, आगे चल के अभी मैं डिस्कस करूंगा,
कि प्रेगनेंसी के पीरियड में जब प्रसूति होती है, महिला को जब गर्भवती हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में महिला को 6 महीने की छुट्टी दी जाती है और उस 6 महीने में वो कोई काम नहीं करेंगी और उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं आधार मानते हैं लोग। देखिए 6 महीने तक काम ना करना, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई भी फ्री में पैसा नहीं देता। ये बात आप समझते हैं कि नहीं समझते? लेकिन महिला के लिए हमारे संविधान में प्रोविजन है कि गर्भावस्था में उसे 6 महीने की छुट्टी दी जाएगी और उसे पूरा वेतन दिया जाएगा। अब आप सोचिए, तो वो पैसा कहीं ना कहीं एडजस्टेबल है। अब आप सोचो कि आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, 6 महीने छुट्टी ले लो, मिलेगी? 6 महीने छुट्टी के बाद नौकरी तो नहीं मिलेगी, जरूर ध्यान रखना। यस और नो, जल्दी से बताइए, गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ बेटा? अगला 40 नंबर क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अब बताइए, भारत में ग्राम पंचायतें हैं या नहीं? जल्दी से बताओ, भारत में ग्राम पंचायतें हैं या नहीं? तो भारत में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं। अब देखो, जैसे आप लोगों के यहाँ ग्राम सभा होगी, अभी चुनाव हुए थे, बोलो जल्दी से, चुनाव हुए थे? तो आपकी ग्राम सभा में बताओ, प्रधान जी चुनाव लड़े होंगे कि नहीं? आप लोगों ने दिया था प्रधान जी को वोट? प्रधान जी, बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो ग्राम पंचायतों का संगठन जो है, ये एक विशेष रूप से संवैधानिक है। पंचायत को संवैधानिक बताया गया है, ग्राम सभा को संवैधानिक बताया गया है। अच्छा, साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है मेरे प्यारे मित्र? 5 वर्षों का होता है। इस बात को और ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? अब 41 नंबर क्या कहता है, सुनिएगा। कहते हैं कुछ दशाओं में काम शिक्षा और, क्या मैंने कहा, कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब मेरी बात सुनो, जैसे कोविड आया, कोरोना आया, कई लोगों की नौकरी चली गई, ठीक है? तो अब जो भी काम करने योग्य हैं, जो भी वर्क करने योग्य हैं, उनको काम दिया जाए, ये राज्य की जिम्मेदारी है, वर्क दिया जाए। ऐसे बच्चे जो पढ़ रहे थे लेकिन उनकी शिक्षा बीच में रह गई, उनके माता पिता की मृत्यु हो गई या और कुछ हो गया, तो आपने देखा उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार है। उन्हें शिक्षा पाने का क्या है बेटा? अधिकार है। अब शिक्षा पाने का अधिकार है तो आप सभी लोगों ने एक चीज देखी होगी और समझी होगी। अभी उत्तर प्रदेश और भारत के विभिन्न राज्यों में कहा गया है कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोविड में नहीं रहे या उनकी डेथ हो गई, बोलिए आया ना, तो उन बच्चों की जो शिक्षा होगी वो निशुल्क की जाएगी। तो ये किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना नहीं है ये, स्टेट गवर्नमेंट लागू कर रही है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह लागू नहीं कर पाएगी, क्योंकि पूरे भारत में निशुल्क बच्चों को पढ़ाना कोई आसान बात नहीं है नमन जी, ठीक है? हाँ, लेकिन हाँ, इसमें स्टेट भी पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट भी भागीदार होंगे इसमें। अब रेशियो जाएगा, अभी हालांकि ये योजना लॉन्च हुई है पर उतना पूर्तियां नहीं हुई है, इसमें शेयर जाएगा। इसमें मान लीजिए हो सकता है ऐसा हो कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी, या ऐसा भी हो सकता है कि 50-50% दोनों देंगे, एक ही पर पूरा जोर पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ। अच्छा, तीसरा सुन लो, लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता क्या होती है? लोक सहायता का मतलब होता है पब्लिक असिस्टेंस। जैसे मैं आपसे कह दूं कि कोविड में, सुनिएगा बड़े गौर से, कोविड में सब कुछ चला गया, नौकरी चली गई, सब कुछ चला गया, तो आपने देखा भारत सरकार ने आपको राशन दिया फ्री में, बोलो हाँ या ना? अब ये ना कहना सर हमें नहीं मिला, सरकार ने दिया, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, ये अलग बात है, बोलो यस और नो, ठीक है? अब लोक सहायता में एक और बात आती है। आप मान लीजिए पहले इधर क्या थे बेटा, जैसे मैंने आपको सिंपल सी बात कही, क्या सब बात कही मैंने, कि मान लीजिए लोक सहायता, मान लीजिए आपकी आयु पहले 57 वर्ष थी, लेकिन कोविड में आते आते आप 60 वर्ष पूरे हो गए, या 58 वर्ष के थे, 2 वर्ष से कोविड चल रहा है, आप 60 वर्ष के पूरे हो गए, तो ऐसी स्थिति में आप रिटायर भी हो गए होंगे, और हो सकता है प्राइवेट नौकरी में हो तो आप खुद ही निकाल दिया गया हो, क्योंकि 2 साल से तो चल नहीं रही है, तो कहा भैया क्या करोगे, बैठे हो फालतू, घर जाओ, इससे अच्छा हमें भी, हम भी बचेंगे तुम भी बचोगे, बोलो या सर नो, आपका सेटलमेंट कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको सरकार क्या देगी? पेंशन देगी। अब वो पेंशन कितनी मिलेगी ये अलग बात है, वृद्धावस्था पेंशन कितनी मिलेगी? 1,000 रुपए महीने, 2,000 रुपए महीने, या 1,500 रुपए महीने,
1200 रुपए महीने, ये सरकार निर्धारित करेगी राज्य की। जैसे आप हरियाणा में जाओगे, अगर कोई बच्चा हरियाणा को, तो मेरे हिसाब से वहां 3000 रुपए मिलते हैं, है ना, वृद्धावस्था पेंशन के 3000 रुपए मिलते हैं। वहां पर लड़कियों के लिए निःशुल्क आने जाने के लिए बस सेवा है। अगर आप विद्यालय पढ़ने जा रहे हैं तो आने जाने के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन उत्तर प्रदेश में निःशुल्क नहीं है, है ना। बोलो यार, यस और नो। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए सरकार इतना दे रही है, वो बहुत अच्छा कर रही है, बेहतर कर रही है। हर एक व्यक्ति अपने स्टैंडर्ड पर अच्छा करता है। दिल्ली में भी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, दिल्ली में भी है। एग्जैक्टली। बात क्लियर हुई कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ। देखिए संविधान के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। सभी लोग एक बार डन डना डन डन बता दें इतना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से बता दीजिए एक बार। अब 42 क्या कहता है? 42 कहता है कि अगर कोई महिला, देखिए लिखा है ना, वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रसूति सहायता का प्रावधान है। मतलब अगर महिला गर्भवती है तो उसे 6 महीने की छुट्टी दी जाएगी। सीधा सीधा समझो, अगर महिला क्या है, गर्भवती है, तो उसके लिए 6 महीने की छुट्टी का प्रावधान है। अगर 6 महीने ना लिखा हो तो लिखा होगा 26 सप्ताह। क्या लिखा होगा? 26 सप्ताह लिखा होगा। मुद्दा क्लियर? और ये छुट्टी जो मिलेगी, ये जो लीव मिलेगी, ये पेड लीव होगी। मतलब इसका कोई पैसा नहीं कटेगा आपको। मंथली बेसिस पर जो सैलरी आपकी आती थी वो आती रहेगी और क्रेडिट होती रहेगी। बोलो भैया, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में एक प्रश्न बन सकता है, सर कितने बच्चों पर मिलेगी? 3, 4, 5, 6 जितने करते रहो मिलती रहेगी? नहीं, ये 2 बच्चों पर मिलती है सामान्यतः। अब किसी राज्य ने अलग कुछ कर रखा हो तो अलग मुद्दा है, लेकिन केंद्र जो है वो 2 बच्चों पर देता है। कितने बच्चों पर? 2 बच्चों पर। हम 2, हमारे 2। इसके अलावा तीसरा अगर है तो रेल का डब्बा तैयार नहीं किया जाएगा, ठीक। हाँ, क्योंकि उत्तर, देखो कई सारे राज्य जनसंख्या के उसमें कानून भी ला रहे हैं, और वाकई में क्या आपको लगता है कि जनसंख्या के लिए कानून लाना चाहिए? जल्दी से बताओ, क्या आपको लगता है कि जनसंख्या के लिए कानून लाना चाहिए? बहुत बढ़िया। शाबाश। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए 43 क्या कहता है। 43 कहता है लीविंग वर्क, बिल्कुल भैया, चलिए 43 कहता है लीविंग वेजेस फॉर वर्कर, जो आपके कर्मकार हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए न्यूनतम एक दिहाड़ी मजदूरी होनी चाहिए। न्यूनतम दिहाड़ी मजदूरी हो, डिसाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आए तब कहे कहीं 200 ले लो, 300 ले लो, 400 ले लो, 500 ले लो, जो भी मिनिमम है। तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। आप लोगों ने नरेगा सुना होगा। नरेगा को ही बोलते हैं एमजी नरेगा। अब बात क्लियर है? नहीं, एमएसपी अलग है। एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो भी कॉस्ट ऑफ क्रॉप आएगा उसका 1.5 टाइम्स मिलता है। मनरेगा के तहत या एमजी नरेगा के तहत, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते हैं इसे, इसके तहत लगभग 202 रुपए मिनिमम स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में, कि 202 रुपए मिलेंगे। पहले ये 174 थे, फिर 194 हुए, अब ये 202 हो गए हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक दिन में एक व्यक्ति को 202 रुपए कम से कम मिलेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में अलग अलग, अलग जगह अलग अलग जगह अलग अलग है। दिल्ली में अलग सिनेरियो है, बॉम्बे जाओगे वहां अलग सिनेरियो मिलेगा, बोलो हाँ या ना। कलकत्ता जाओगे वहां अलग मिलेगा। अब बिहार आ गए तो वहां और सस्ता हो जाएगा, बोलो यस और नो। हाँ, कहीं 202 कहीं 204 ऐसा ही है बेटा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, उस पर कोई लड़ाई नहीं है, कहीं 202 कहीं 204 ऐसे मिलता है, ठीक है। हाँ, अलग अलग राज्यों का अलग अलग लाइफ स्टाइल है। आशीष जी, जैसे मैं सिंपल से कह दूं कि आप पंजाब के लाइफ स्टाइल को कंपेयर करिए उत्तर प्रदेश या बिहार के लाइफ स्टाइल से, तो कहाँ का लाइफ स्टाइल अच्छा है बताइए?
तो आप ऑब्वियस से कहेंगे सर उत्तर प्रदेश का अच्छा नहीं है इतना, और ना ही बिहार का, तो गौर गड़बड़ है, पंजाब का अच्छा है। तो अगर लाइफ स्टाइल अच्छा है तो पैसे भी तो ज्यादा होंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो देना पड़ेगा। क्या होगा बेटा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। चला जाए भाई, जी हाँ, देखिए 44 क्या कहता है, 44 क्या कहता है, क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आर्टिकल से, ठीक है? एक सेकंड रुकिएगा बेटा, चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। अब मेरी बात को ध्यान रखिएगा, क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, नागरिकों के लिए समान संहिता या समान सिविल संहिता। इसका अर्थ होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल राइट्स होने चाहिए, मतलब समान न्याय या समान अधिकार होने चाहिए। अब आप बताओ, अगर समान अधिकार होने चाहिए तो सिंपल सी बात बनती है, क्या बनती है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो, जल्दी से बताओ। आया ना लखनऊ वाले केस? हाँ बिल्कुल कह सकते हो। अब देखिए ये लागू कहाँ है वो भी सुन लीजिए, लागू कहाँ है? गोवा में लागू है सर, पूरे भारत में। पूरे भारत में कहाँ लागू है? सिर्फ गोवा में लागू है, और इसके अलावा कहीं भी लागू नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक? पर ये बहुत जल्द पूरे भारत में लागू होगा। अब कहते हैं 45 नंबर क्या कहता है? कहता है बच्चों के लिए। क्या कहता है बेटा? बच्चों के लिए, सुनिएगा बड़े गौर से, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ से। बच्चों के लिए, क्या मैंने कहा? बच्चों के लिए। अगर मैं बच्चों की बात करूं, इसकी बात करूं, बच्चे, बच्चे कौन से? जो 0 से लेकर के 6 वर्ष की आयु के हैं। क्या मैंने शब्द बोला? जो 0 से लेकर के 6 वर्ष की आयु के हैं, उन बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। क्या मैंने कहा? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो 0 से 6 वर्ष क्या होता है भैया? ये तो अर्ली चाइल्डहुड केयर हो गया। क्या हो गया? अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो इसके लिए सरकार कार्य करेगी, जैसे कर भी रही है कई जगह पर राज्यों में। अब तो आप सरकारी विद्यालय देखेंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उन्हें आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि गवर्नमेंट स्कूल बहुत बेहतर हो गए हैं पहले की कंपेरिजन में, बेसिक शिक्षा वाले। बोलो हाँ या ना। 46 क्या कहता है? 46 कहता है कि अगर आप SC हैं और अगर आप ST हैं, अगर आप अनुसूचित जाति से हैं और आप अनुसूचित जनजाति से हैं, और साथ ही साथ में अन्य दुर्बल वर्ग, जो वीकर सेक्शन होता है, वीकर सेक्शन, कौन सा सेक्शन मेरे प्यारे दोस्त? जो वीकर सेक्शन होता है, अगर मैं उसकी बात करूं, दुर्बल वर्ग की बात करूं, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, दुर्बल वर्ग में सब लोग आते हैं, चाहे वो फिर मुस्लिम हो, वो फिर हिंदू हो, वो हिंदू में फिर क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, गुप्ता हो, कोई भी हो, सब आते हैं उसमें दुर्बल वर्ग में। क्योंकि कोई व्यक्ति गरीब होगा, कोई व्यक्ति गरीब होगा
ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति गरीब नहीं होगा, या पंडित जी गरीब नहीं हो सकते, या ठाकुर साहब गरीब नहीं हो सकते, या यादव गरीब नहीं हो सकता। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो सबके लिए, तो इनके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं कि राज्य क्या करेगा इनको, कुछ क्या करेगा, दो काम करेगा, एक तो इन्हें शिक्षित करेगा और दूसरा इनको कुछ इकोनॉमिकल प्रॉफिट देगा। देखो शिक्षा तो आपको मिल जाती है सरकारी स्कूल में, इकोनॉमिकल प्रॉफिट के आधार पर क्या होता है, आप जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आप सभी को स्कॉलरशिप मिलती है, क्या मैं सही कह रहा हूं? आप सभी को स्कॉलरशिप मिलती है, जल्दी से बताइए सर। तो नहीं, EWS के आधार पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती, गलत बात। EWS अलग चीज है और स्कॉलरशिप अलग चीज है, ठीक है। EWS में कहा गया है कि मिनिमम आपकी अगर 8 लाख रुपए तक की इनकम होगी तो आप EWS में आएंगे। अब आप एक बात बताइए, 8 लाख का मतलब आप समझ रहे हैं? बताइए आप, व्हाट डू यू मीन बाय 8 लाख बेटा? 8 लाख रुपए का मतलब हुआ मोटा मोटा 72 और 12 × 5 = 60, लगभग एक महीने में अगर आप 65,000 रुपए कमा रहे हैं तो भी आप EWS में आते हैं। यार 65,000 रुपए सैलरी ले रहे हो उसके बाद भी EWS में आ रहे हो, तो गलत है ना? बताओ 65,000 रुपए महीने आपकी सैलरी है और तो भी आप किसमें हो? EWS में हो। ये यहाँ पर नहीं शामिल है, वो एक अलग मुद्दा है, EWS का अलग मुद्दा है। नमन त्रिपाठी जी, बात क्लियर हो गई? EWS मत लिखिएगा। ये वो लोग हैं जिनकी इनकम है ही नहीं ना के समान, साल भर में 2-4, 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 ऐसी कुछ, ठीक। अच्छा अगला क्या कह रहा है, 37 क्या कहता है? 37 कहता है राज्य की जिम्मेदारी है कि अपने राज्य के लोगों की या नागरिकों के पोषाहार की स्टैंडर्ड, जो पोषक तत्वों का स्टैंडर्ड है उसे बढ़ाए जिससे कुपोषण ना हो, और अपने राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा करे। क्या कहा हमने? अपने राज्य के नागरिकों के नागरिकों का जो जीवन स्तर है वो क्या करे? ऊंचा करे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। और कहा गया है इसी में साथ साथ लोक स्वास्थ्य, क्या कहा गया है? लोक स्वास्थ्य का सुधार करे, ये राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। अब आप लोग जहां भी रहते हैं वहां पे बने होंगे CHC। CHC का मतलब क्या होता है? सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। बने हुए हैं क्या? जल्दी से बताओ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं क्या आप लोगों के आसपास, गांव में, शहर में, जिन्हें सरकारी हॉस्पिटल बोलते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहते हैं। बोलो जल्दी से, ठीक है। ट्रामा सेंटर अलग होता है, वो सरकारी है या प्राइवेट ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है, ये मैं नहीं कह सकता। जो CHC होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, ट्रामा ऐसे तो PGI जो होते हैं ना, PGI ये भी गवर्नमेंट के ही होते हैं, सरकार के होते हैं। जो एम्स होते हैं वो भी सरकार के ही होते हैं, ठीक है। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है, बहुत बढ़िया। आगे सुनिएगा बड़े गौर से सभी प्यारे दोस्त, ध्यान रखिएगा। 48 नंबर कहता है कृषि और पशुपालन संगठन, क्या कहता है? कृषि और पशुपालन संगठन, क्या है कृषि और पशुपालन संगठन? बताइए, क्या सरकार के कुछ कृषि संस्थान हैं जहां से आपको नए नए सीड्स मिलते हैं? बोलो, नए नए सीड्स के साथ साथ में आपको खाद मिलती है, जिसे उर्वरक कहते हो, फर्टिलाइजर कहते हो। बोलो, साथ साथ में आपको पेस्टिसाइड्स मिलते हैं। बोलो जल्दी से, कीटनाशक दवाइयां मिलती हैं। पशुपालन,
पशुपालन संगठन, सहकारी समितियां, बिल्कुल आप कह सकते हो सहकारी समितियां ऐसी हैं, बिल्कुल सहकारी समिति कह सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं, हाँ ध्यान रखिएगा। अच्छा, पशुपालन संगठन भी हैं, अब तो बहुत सारी गौशालाएं खोल दी योगी जी ने, बोलो हाँ या ना, जहां पे नंदी बाबा घूमते रहते हैं गाय भी घूमती रहती है, बोलो यस और नो। तो पशुपालन संगठन भी है। अगला 48 सुनिएगा, 48 का ए क्या कहता है, ए कहता है कि जो भी हमारा पर्यावरण है, जो भी हमारा क्या है बेटा, पर्यावरण है, अगर मैं पर्यावरण की बात करूं तो उस पर्यावरण में, अच्छा एक बात ईमानदारी से बताइएगा सभी लोग भैया, कोई अंतर नहीं होता है, सहकारी और सरकारी का अंतर कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, सरकारी अलग चीज है और सहकारी ये समिति के लिए यूज किया जाने वाला शब्द है, कोऑपरेटिव शब्द यूज होता है इसके लिए, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है आपके लिए कि सहकारी और सरकारी में अंतर क्या है, ठीक है। होते दोनों सरकारी हैं, सरकार में तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है, सहकारी में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होता है। अब जैसे मैं कह दूं पर्यावरण है, पर्यावरण को बचाने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारा है या सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का है, पर्यावरण बचाओ जल्दी से बताओ किसका काम है, सिर्फ हमारा या सिर्फ मोदी जी का या हम सभी का, सभी का होता है। तो पर्यावरण की रक्षा हमें सभी को करनी है, पेड़ पौधे खूब लगाइए, काटिए कम, है ना, रेफ्रिजरेटर एसी कम चलाइए, ठीक है, कुएं का पानी पीजिए, नल का पानी पीजिए, तो पर्यावरण को बढ़ाना है। अच्छा, वनों को क्या करना है, अब पर्यावरण में वन तो आते हैं, वनों को खूब लगाओ, पेड़ पौधे लगाओगे अपने आप वन तैयार हो जाएंगे। कुछ जीव जंतु होते हैं, कुछ जीव जंतु होते हैं, जीव व जंतु, उन जीव जंतुओं की क्या करनी है आपको, रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है। अगर आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा आप सभी लोग, क्या मैंने कहा, इस बात को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा आप सभी लोग, अगर रक्षा और सुरक्षा करते हैं तो आपका जो पर्यावरण का बैलेंस है, मतलब जो पर्यावरण का संतुलन है, वो बहुत अच्छा बना रहेगा। और अगर आपने अच्छा बेहतर नहीं किया तो पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और अगर पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई तो उससे हमें हानि हो सकती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, आर्टिकल नंबर 49 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 49 क्या कहता है उसे समझिएगा। 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय स्थान है और धरोहरें, उनका संरक्षण करना। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं कह दूं ताजमहल, क्या मैंने कह दिया, ताजमहल, कई लोग घूमने भी गए होंगे, इसकी हम सुरक्षा क्यों करते हैं। जैसे मैं कह दूं सोमनाथ मंदिर, जैसे मैं कह दूं काशी विश्वनाथ मंदिर, बोलो, जैसे मैं कह दूं कुतुब मीनार, बोलो, जैसे मैं कह दूं हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कह लो या टॉम्ब कह लो, ठीक है, इन सब की हम सुरक्षा क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारे, देखिए इसमें अब कुछ लोग यहां पर पूर्वज हैं हमारे, कुछ लोगों के अलग अलग कम्युनिटी में यहां पर पूर्वज होंगे, बोलो हाँ या ना, बोलो, लाल किला भी लिख लो, लो भैया लाल किला भी लिख लो, रह जाएगा तो तुम चिल्लाओगे, लो लाल किला भी लिख लो, खुश। अब कह दोगे राजस्थान का सर किला भी लिख दो, चित्तौड़गढ़ वाला, लो खुश। और बताओ बात क्लियर, हाँ झांसी का किला भी लिख लो, बहुत अच्छी बात है, याद है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है, ठीक है,
देखिए इस भावनाओं को समझिए, भारत में बहुत सारे ऐसे स्थान है जिसको अब मैं इसमें लिख नहीं सकता ना सारों को, ठीक है, तो कुछ बातों को समझा भी करिए। अब इन सारों की धरोहर हम करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे या किसी और के पूर्वजों के द्वारा बनाए गए बहुत ही बेहतरीन वास्तुकला के नमूने हैं, वास्तुकला के क्या हैं, नमूने हैं, वास्तुकला के नमूने हैं, जिस वजह से इसका हम संरक्षण करते हैं, क्योंकि अब ऐसी वास्तुकला बना पानी शायद ही बहुत मुश्किल है। ताजमहल आज तक अगर बहुत ऐसा बना लिया होता तो बहुत लोगों ने ताजमहल बनवा दिया होता, गलत कह रहा हूँ, और सबसे पहले तो औरंगजेब ने ही बनवा दिया होता, लेकिन वो भी सेम ताजमहल नहीं बनवा पाया। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए और याद रखिए। मुद्दा क्लियर सभी को? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो, आया ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इन सबका संरक्षण होता है। आर्टिकल नंबर 50, 50-50 ब्रिटानिया 50-50 था, और 50-50 खाओगे तो पावर 50-50 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? तो जो हमारी कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, पहले ये एक हुआ करती है, ठीक है, जब संविधान बना तो इनको अलग अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया, तो कार्यपालिका अलग हो गई और न्यायपालिका अलग हो गई, तो इनकी शक्तियों का भी क्या हो गया, बंटवारा हो गया, ठीक है। इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, दोनों की पावर भी अलग हो गई, दोनों पृथक हो गए। बात क्लियर? देखिए कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका का मतलब है नेताजी, क्योंकि भारत में कार्यपालिका का, जो भारत की कार्यपालिका है, जो संघ की कार्यपालिका कहते हैं, उसका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यपालिका के सारे कामों को जो करता है वो राष्ट्रपति नहीं करता, वो प्रधानमंत्री करता है, उसके मंत्री परिषद करती है। कौन करती है? प्रधानमंत्री करता है और उसकी मंत्री परिषद करती है। इस बात को जरूर जानना चाहिए, मंत्री परिषद करती है। बोलो भैया, मुद्दा क्लियर सभी को? हाँ या ना? जल्दी से बता दें सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बता, यस और नो, यस और नो, ठीक। अब बात आती है 51, 51 क्या कहता है? 51 कहता है आपका, क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। देखिए आपके जब पड़ोसियों के साथ में संबंध अच्छे होंगे, पड़ोसी का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से, जैसे हमारे, हमारा पड़ोसी कौन है बताओ जल्दी से, हमारे देश का पड़ोसी कौन है? एक तो पाकिस्तान, दूसरा चाइना, तीसरा नेपाल, चौथा अफगानिस्तान, पांचवा बांग्लादेश, छठा श्रीलंका, बोलो म्यांमार, बोलो, यही तो है पड़ोसी हमारे। तो इनके साथ अगर हमारे संबंध अच्छे होंगे तो हमेशा शांति बनी रहेगी और सुरक्षा बनी रहेगी। अब पाकिस्तान के साथ संबंध खराब क्यों है? क्योंकि तो वो हमेशा संबंध खराब करके रखना चाहता है ना, कभी यहाँ गोली चला दी, कभी वहां गोली चला दी। अब फिर यही कहते नहीं है, कई बार कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे कह सकते हो कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कई बार घर में कहा जाता है ना, जब आप लोग बात नहीं मानते तो पापा कह देते हैं या मम्मी कह देती हैं या बड़ा भाई कह देता है। तो वही हालत किसकी है? पाकिस्तान की है, कि वो बिना मार के मानता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सेम थिंग अप्लाई होती है उसके ऊपर, तो उसके साथ में हमारे रिलेशन चाह कर भी अच्छे नहीं हो पाते। बोलो भाई, मुद्दा क्लियर कि नहीं? इतना जल्दी से सभी लोग बताते, बोलो भाई, सो गए क्या? सुबह ही सुबह सो गए क्या सब लोग? सब लोग एक बार डन डना डन डन बता देंगे सभी लोग जल्दी से। चलो वेरी गुड। अब देखो मौलिक अधिकार और नीत निदेशक तत्व या सिद्धांत में अंतर क्या होता है, मैं आपको अंतर भी समझा दे रहा हूं और बता दे रहा हूं, ठीक है, समझिएगा क्या अंतर है।
सबसे पहले हम डीपीएसपी को समझेंगे। कहते हैं डीपीएसपी को हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। इसका वर्णन भाग चार में किया गया है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। मैंने बताया था ना इसके अंतर्गत जो भी पॉलिसीज आएंगी उसे लागू कराने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। ये समाज की भलाई के लिए लाया जाता है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता होती है, ये सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, ये सरकार द्वारा लागू करने के बाद नागरिकों को प्राप्त होता है। बोलो भैया बात सभी को क्लियर हुई कि नहीं, ये सारी बातें हम मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई, जल्दी से बताओ समाज से संबंधित, बोलो जल्दी से। सरकार पर जब राज्य में लागू हो जाएगा तब नागरिकों पर लागू होगा, स्वतः लागू हो जाएगा नागरिकों पर। बोलो भैया भाग चार में बताया गया है आयरलैंड से लिया गया है, लागू कराने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, जो हम पढ़ भी चुके हैं एक बार। बोलो सबसे पहले हमने मौलिक अधिकारों को लिया कहाँ से, यूएसए से या संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया, अमेरिका कह सकते हो आप। इसका वर्णन कहाँ है, भाग तीन में किया गया है। कहाँ किया गया है, भाग तीन में किया गया है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हो। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 32, याद आया। अनुच्छेद 32 में मैंने क्या बताया था आप सभी को कि इसके अंतर्गत अगर राज्य में, क्या मैंने कहा था, अगर इसके अंतर्गत किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन या अतिक्रमण या उल्लंघन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बोलो जल्दी से कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वहां रिट इशू कर सकता है। बोलो हाँ या ना, बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी से बताएं। यह व्यक्ति के अधिकारों के लिए है, व्यक्ति के अधिकारों के लिए है। मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है, मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है, कानून के अंतर्गत है। ये सरकार के महत्व को घटाता है, ये सरकार के महत्व को घटाता है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। जिस बच्चे का जन्म भारत में हुआ उसके माता पिता भारतीय हैं, या जिस बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ लेकिन माता पिता भारतीय हैं, ठीक है, तो उसे नागरिकता स्वतः मिल जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बताऊं करीना कपूर का लड़कवा, क्या नाम है उसका, तैमूर, नाम देखो क्या रखा है, जल्लाद वाला तैमूर। बोलो हाँ या ना, तैमूर तो एक आक्रमणकारी था, बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। तैमूर क्या था, आक्रमणकारी था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और मुझे लगता है अगर जिसने भारत पर आक्रमण किया हो भारत के लिए तो अच्छा नहीं हो सकता। बताओ क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, उसका लड़का पैदा हुआ था इंग्लैंड में, इसका मतलब ये थोड़ी उसको इंग्लैंड की नागरिकता मिल जाएगी, वहां तो मार मार गोरे सीधा कर देंगे उसको बिल्कुल, आया ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। क्यों, क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों कौन है, इंडियन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं, और अब बात करेंगे हम लोग मौलिक कर्तव्यों की। देखो मौलिक कर्तव्यों में जो बात समझाने वाली है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, और बाकी इसमें हम पढ़ेंगे नहीं कि इसमें कौन कौन सी है, क्योंकि वो पढ़ने लायक इतना नहीं है, कॉमन सी बातें हैं वो आप भी पढ़ सकते हैं, पर मेन मेन जो बातें हैं फैक्ट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है भाग या पार्ट 4A में। दूसरा अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं, किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 51A में बताया गया है। इसमें बताया गया है 51A में बताया गया है। मुद्दा इतना क्लियर हो गया सभी को, जल्दी से बताओ। दूसरा मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे, मतलब ये मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान का मतलब जानते हो, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें मूल संविधान में नहीं थे, ठीक। जो मूल संविधान था जो लागू हुआ था 1950 में उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो इसे बाद में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी
के सुझाव पर, और लाया गया 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके अंतर्गत भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और जब ये जोड़े गए थे 1976 में, तब ये 10 थे, लेकिन वर्तमान में ये कितने हैं? 11 हैं। वर्तमान में कितने हैं? ये 11 हैं। मतलब एक और जुड़ गया। तो वो कैसे जुड़ा? वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और कहा गया कि हर एक माता पिता का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए या शिक्षित करें। क्या करें बेटा? शिक्षा दिलाएं या शिक्षित करें। तो इस प्रकार वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने? 11। जब जोड़े गए थे तब कितने? 10। बोलो भाई, सभी को इतनी बात अगर समझ में आ गई हो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से डन 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 बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। Each and every people, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो भाई, 25 लोग हैं क्लास में, 22-23 से 25 लोग रहते हैं, सभी लोग बता दिया करें, जिससे कि मुझे थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। हाँ, बच्चों को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ से सवाल ऐसे आएगा, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य किस भाग में बताए गए हैं? बता दो जल्दी से, किस में बताए गए? तो आप बता दो कि 4A में बताए गए। अनुच्छेद पूछेगा तो बता दोगे किस अनुच्छेद में बताए गए? 51A में बताए गए। हो सकता है ऐसे पूछे कि निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। कब जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे। बोलो, कह देगा निम्नलिखित में से वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो बता देंगे 11 हैं। जब जोड़े गए थे तब कितने थे? तो 10 थे। मौलिक अधिकार कितने हैं? अगर पूछ लिया, मान लो मौलिक कर्तव्य, तो आपको पता चल गया मौलिक अधिकार हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ाए थे। बताओ जल्दी से कितने हैं मौलिक अधिकार? वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। वेरी गुड। और जब संविधान बना था तब कितने थे मौलिक अधिकार? 7 थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये सारी बातें आप सभी को याद रहेंगी, ठीक है। तो आज की सेवाएं यहीं तक रहेंगी मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और अगली क्लास में हम लोग मुलाकात करेंगे और आगे बात करेंगे, ठीक है। हाँ, हरवीर जाट, क्या कुछ पूछना चाहते हैं? हाथ उठाया आपने, हरवीर जाट सर। जी बताइए। सर, हमको चैट करते हैं तो आप तक नहीं पहुंच पाती वो। आप जो चैट करते हैं मेरे तक नहीं आती। आप जब चैट करेंगे इस बार तो ऐसे जाएंगे, देखो आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है चैट का ऑप्शन, दिखाई दे रहा है जी? इस पर मेरा नाम सिलेक्ट करेंगे, राघवेंद्र सर, तब आएगी मेरे पास। जी आ गया सर, तब भी नहीं आ रहा है। तो कुछ इशू आ रहा होगा, टेक्निकल इशू होगा बेटा, उसके लिए तो फिर अब एक बार आप अगली क्लास में बात करिएगा, देखते हैं क्या दिक्कत हो, क्या हो सकता है उसके लिए, ठीक है। ठीक सर, ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सो मच।